शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर मुंह दिखाई का तुम्हें इतना ही शौक था तो बता दिया होता हमें। नीचे सबके सामने हमारी जगहसाई करने की क्या जरूरत है? मम्मी जी वो पहले ही दिन तुमने सास की दो बातें एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। इसी के लिए तुम भाग के नीचे गई थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो कीर्ति को मेरी जरूरत थी तो। जरूरत तुम्हारी बहन को थी या तुम्हें? सबके सामने अपने नंबर बढ़ाने की। वैसे भी घर वालों को तो तुमने मंत्रमुग्ध कर ही दिया है, अब तो बस बाहर वाले बचे हैं ना। मम्मी जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादा तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं तुम्हारा, पहले भी कहे अब दोहरा रहे। नीचे और ऊपर दो अलग घर है और तुम्हारी सास हम हैं और यही तुम्हारा परिवार है। अब इस बात को तुम समझ लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। पग फेरे के लिए तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे और ये शक्ल देख के यही सोचेंगे कि हम तुम्हें कितना दुख दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि तुम अपनी सास की लाज रखोगी। खतरनाक है, उन औरतों के सामने बिना सोचे समझे राशन पानी लेके हम पे चढ़ गई। एक बात बताइए, हमारी गलती क्या थी? वैसे तो कभी हमारी मम्मी ने भी नहीं डांटा हमें। देखो शादी ब्याह में कुछ रस्में होती, लोग आते नई दुल्हन से मिलना चाहते हैं, और मेरी मम्मी ना टाइम और डिसिप्लिन की बहुत पक्की है, और वही वो सेम तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी, और कोई बात नहीं, दैट्स इट। अच्छा चलो अब स्माइल करो, वरना शॉपिंग में ना बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अब स्माइल करो थोड़ा सा। चलो फिर एक काम करते हैं, आज वरुण त्रिपाठी का क्रेडिट कार्ड तुम्हारे नाम, ओके? सोच लीजिए। सोच लिया। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा वो पग फेरे की रस्म के लिए तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले थे ना, तो उन्हें बोल दिया ना कि हम डायरेक्टली घर पहुंचेंगे? बस बस कह डा रही हो, अब चले। श्रद्धा जरा बिस्किट देना। सारे ले लेती हूँ। नैना जी ये कीर्ति के लिए, हड़बड़ी में उसे विदा किया तो कुछ दे नहीं पाए। ठीक है यशवी जी। पापा कैसी हो बेटा? मैं ठीक। अब वरुण जी चलिए। हाँ। क्या हुआ बेटा, कहीं जा रहे हैं? पग फेरे की रस्म नहीं करनी? अरे मम्मी हम बताना ही भूल गए, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, वरुण जी हमें वहीं से घर छोड़ देंगे। बाकियों से काफी अलग है आपकी बेटी कीर्ति। हमारा मतलब है कि कौन सी लड़की अपनी मुंह दिखाई की रस्म में लेट उठकर सास को उल्टे जवाब देती है? हमारा मतलब है कि कीर्ति अभी बच्ची है और ये सारी हरकतें हमें बहुत क्यूट लगती है। आपकी तरह हमें भी धीरे धीरे आदत डालनी होगी इन सब चीजों की। बेटा ये अचानक क्या हुआ, पग फेरे के दिन शॉपिंग पे जाना जरूरी है? ओ मम्मी जी एक्चुअली क्या है कि हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई कि कुछ ले ही नहीं पाए, इसलिए सोच रहे थे कुछ जरूरत का सामान और कपड़ों की शॉपिंग कर ले। और जो हमने वरुण की बहू के लिए कपड़े लिए हैं उसका क्या? और यशवी जी भी तो लाई हैं कपड़े। वो मम्मी हमारे जो कपड़े हैं वो तो श्रद्धा के लिए लिए थे ना।
अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, वरुण तुम ये कपड़े कीर्ति को देना, श्रद्धा के लिए हम नए कपड़े ले लेंगे। नहीं अनुज, श्रद्धा और कीर्ति दोनों ही हमारे लिए एक जैसी हैं, दोनों के लिए कपड़े ले लेंगे। अच्छा मम्मी हम चलते हैं, शॉपिंग के बाद ना डायरेक्टली घर पे आ जाएंगे, ठीक है? चलिए चलो। खाना ठंडा हो रहा है भाई साहब, चलिए। अरे नहीं भाई साहब, खाना नहीं खाएंगे। कहीं आप अपनी बेटी के ससुराल में पानी पीने से हिचक तो नहीं रहे? अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग घर से खाना खा कर आए थे, सोचा जल्दी से जाकर बेटियों को ले आते हैं। कोई बात नहीं, मीठा तो खा ही सकते हैं। श्रद्धा बिटिया ने खीर बनाई है। बेटा खीर लिया। सच भाई साहब, बहुत ही संस्कारी बेटी है आपकी। थोड़ी सी खीर खा लीजिए। बोला ना नहीं खानी है मुझे। जबरदस्ती मुझे खीर खिलाने पे क्यों तुली हो? सब खा रहे थे तो मैंने सोचा। मत सोचो, और हमारे बारे में तो बिल्कुल मत सोचो। भाई साहब अब हमें चलना चाहिए, श्रद्धा बेटी को हम कल घर वापस ड्रॉप कर देंगे। अरे भाई साहब, श्रद्धा को आप क्यों छोड़ने आएंगे? हमारा बेटा अभी आएगा ना लेने। श्रद्धा बेटा चले जी। बीवी मायके जा रही थी, तुम बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए, या फिर यहाँ पे आके उसकी याद में देवदास बनना? तुम अपने काम से काम रखो ना। देखो अभय, तुम्हारा दर्द समझते हैं इसलिए कह रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमसे बात कर सकते। कितनी बार बोल चुका हूँ मुझसे दूर रहा करो, फिर काहे बार बार चेप होती हो? क्योंकि तुम्हारी तकलीफ ना हमारी तकलीफ है, नहीं देख पाते तुम्हें हम ऐसे। यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? सुनिए बेटा, आप दो मिनट बाहर जाओगे, हमें अभय से जरूरी बात करनी है। जी। इधर आओ बेटा। बहू से बात करने का ये कोई तरीका है? पापा खाना खाने के लिए मना किया था, इसमें इतना बवाल क्यों? अभय बेटा ये बात तुम आराम से भी तो कह सकते थे, इतना क्या गुस्सा आ गया कि तुम्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसके मम्मी पापा भी वहीं थे? जरा सोचो बेटा उन्हें कैसा लग रहा हो। सॉरी ताऊ जी, पर मैं शादी के बाद से देख रहा हूँ, सबको यही फिक्र है कि श्रद्धा को कैसा लग रहा होगा, उसके मम्मी पापा को कैसा लग रहा होगा। कभी किसी ने पूछा कि मुझे कैसा लग रहा होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती मेरी शादी करवा के श्रद्धा को मुझ पे थोप दिया गया है। चुप कर। खुशकिस्मत है कि तुझे ऐसी लड़की मिली है, क्या कमी है उसमें? पापा श्रद्धा अगर इतनी अच्छी है तो वरुण को कीर्ति क्यों पसंद आई? अपनी जबान बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप जाके तू श्रद्धा को मैके से वापस लाएगा, समझा? पापा फिर तो भूल जाओ, क्योंकि ये तो सपने में भी नहीं हो सकता, आना होगा, आ जाएगी खुद वो। बदतमीज तेरे। अनुज ये क्या कर रहे हो तुम? अभी वो बच्चा नहीं रहा है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।